जय श्री राम आप सभी को। आने वाली 6 सितंबर 2024 को हरतालिका तीज का व्रत मनाया जाएगा, जिसको हरि तीज या फिर गौर तीज भी कहते हैं। यह व्रत हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आता है और इस दिन कुंवारी और सौभाग्यशाली स्त्रियां गौरी शंकर भगवान की पूजा करती हैं। वैसे तो यह त्योहार करवा चौथ से भी कठिन माना जाता है, क्योंकि जहाँ करवा चौथ में चांद देखने के उपरांत व्रत का समापन हो जाता है, वहीं इस व्रत में पूरे दिन निर्जला रहकर व्रत किया जाता है एवं अगले दिन पूजन के पश्चात ही व्रत समापन होता है। इस व्रत को स्त्रियां अखंड सुहाग बनाए रखने के लिए और अविवाहित कन्याएं मन अनुसार वर पाने के लिए करती हैं। सर्वप्रथम इस व्रत को माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर के लिए रखा था, इसीलिए इस दिन विशेष रूप से गौरी शंकर जी की ही पूजा की जाती है। इस व्रत में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करा जाता है व 3 बार आरती करी जाती है और शिव पार्वती विवाह की कथा भी सुनी जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी व्रत कथा के बिना पूर्ण नहीं होता है, तो आइए सुनते हैं गौरा तीज व्रत की कथा। ये हरतालिका व्रत कथा शिव जी ने ही माँ पार्वती को सुनाई थी। शिव भगवान ने इस कथा में माता पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाया था, तो आइए सुनते हैं। शिव जी बोले, हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी हो या कपा देने वाली ठंड, तुम पीछे नहीं हटी, तुम डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हारी इस हालत को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। उनको दुखी देखकर एक दिन नारद मुनि आए और कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, मैं ये जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर आपके पिता बोले कि अगर भगवान विष्णु ये विवाह चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं, परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम बहुत दुखी हुई। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिता मेरा विवाह विष्णु जी के साथ करा रहे हैं। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा कोई उपाय नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बहुत समझदार थी, उसने कहा प्राण छोड़ने का यहाँ कारण ही क्या है, संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में एक बार वरण कर ले, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। मैं तुम्हें गणगौर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारे इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा कि मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट आया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पहुंचे। तुमने सारा वृत्तांत बताया और कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी अगर आप महादेव से मेरा विवाह करेंगे। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करवाया। इस व्रत का महत्व ये है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मन वांछित फल देता हूँ। इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसीलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत हो गया। इस व्रत से जुड़ी एक मान्यता ये भी है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान ही सुख पूर्वक पति रमन करके शिवलोक को जाती हैं। जय हो गौरी शंकर भगवान, जय हो हरतालिका तीज व्रत की।